हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड इसकी क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, एक डिजीज दे दी जाएगी या फिर एक फंजाई का नाम दे दिया जाएगा कि ये किसके ऊपर पैथोजन है या फिर ये क्या डिजीज कोज करती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं, चाहे फंजाई हो चाहे और दूसरे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी यूजफुलनेस क्या होती है एंड हार्मफुलनेस क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी यूजफुलनेस क्या होती है, ठीक है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, जिसके अंदर हम यूजफुलनेस डिस्कस करेंगे। तो यूजफुलनेस में सबसे फर्स्ट जो है फंजाई एज फूड यूज होती है, ठीक है, इसको फूड की तरह यूज किया जाता है। मैनी फंजाई यूज्ड इन फूड एंड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू जो भी फूड बनते हैं उनके अंदर फंजाई यूज होती है। फंजाई रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, इसके अलावा ये फर्मेंटेशन करती है फूड प्रोडक्ट्स का, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स का फर्मेंटेशन भी कर देती है। यहाँ पे ये लिस्ट है जिसके अंदर कुछ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं जो कि फंजाई के यूज से प्रोड्यूस किए हुए हैं। लाइक यहाँ पे इडली है जो कि राइस एक सबस्ट्रेट है एंड इसके अंदर टोरुलोप्सिस एंड कैंडिडा, ये फंजाई यूज होती है इसकी इसके इसके इसको फर्मेंट करने के। नेक्स्ट है यहाँ पे जलेबीज जिसके अंदर मूंग पल्स होते हैं, सैक्रोमाइसिस, यहाँ पे बाइनस जो है फंजाई यूज होती है, फांजी जिसके अंदर उर्द पल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे जैसे कि हेंसिनोला, एनामोला एंड ये जो स्पीसीज है वैरायटी एनामोला ये यूज होती है। मूर्छा के अंदर यहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होती है, लाइक फंजाई इन्वॉल्व होती है, यही यहाँ पे हेंसुला एनोरमाला एंड इसकी एक वैरायटी है स्कैरगी, इसके अलावा म्यूकर रोलेक्स ये यूज होते हैं यहाँ पे। पंजाबी वैरीज एंड पेपरडम्स के अंदर ऊट एंड मूंग सबस्ट्रेट यूज होता है, कैंडिडा एंड सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी इसके अंदर फंजाई होती है। टोडी के अंदर सुगर्स इन द टोडी पाल्म ट्रीज इसके अंदर भी सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी इसके अंदर फंजाई यूज होती है। टेम्पे इसके अंदर डेवल्ड सोयाबीन ग्रिट्स होते हैं जिसके अंदर राइजोपस यूज होती है फंजाई, सो और सोया सॉस के अंदर सोयाबीन सबस्ट्रेट की तरह यूज किए जाते हैं एंड इसके अंदर एस्पेरेगिलस ओराइजी एंड सैक्रोमाइसिस राउक्सी ये फंजाई यूज होती है। लाओ चाओ के अंदर राइस एंड यहाँ पे फंजाई राइजोपस चाइनेसिस इसके अलावा एंडोमाइकोसिस स्पीसीज यूज होती है। हमेनाटू के अंदर सोयाबीन्स एंड एस्पेरेगिलस ओराइजी यहाँ पे फंजाई जो है इसको फर्मेंट करती है। एंड ऑनजोम के अंदर पीनट्स होते हैं एंड यहाँ पे न्यूरोस्पोरा सीटोफिला ये फंजाई यूज होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स एंड उनके सबस्ट्रेट एंड कौन कौन से वहां पे फंजाई यूज होती है। नेक्स्ट है एज डीकम्पोजर, डीकम्पोजर की तरह यूज होती है, डीकम्पोज करती है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम ह्यूमस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है तो ये क्या करते हैं डीकम्पोज किया जाता है अलोंग विद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो इसको करते ही है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया तो डिकम्पोजिशन करते ही करते हैं। अलोंग विद बैक्टीरिया मैनी फंजाई डिकम्पोज द प्लांट एंड एनिमल डेब्रिस एंड रिमूव इट फ्रॉम द मेंस एनवायरनमेंट, ठीक है, ये क्या कर देती है इनको डिकम्पोज कर देती है। माइक्रोराइजा के अंदर इसका यूज होता है, जैसे कि माइक्रोराइजा क्या होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई एंड रूट्स। रूट्स क्या होती है, रूट्स कौन सी होती है, यहाँ पे हायर प्लांट्स की रूट्स होती है विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो किसमें हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। माइकोराइजे जनरली रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शंस,
एंड ये जो माइकोराइजे होते हैं, ये जो एसोसिएशन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये रेजिस्टेंट होता है कुछ इन्फेक्शन के लिए. नेक्स्ट, ये यीस्ट केक्स के अंदर इसका यूज होता है. जैसे कि यीस्ट केक्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स एंड विद द इनर्ट सब्सटेंस सच एज स्टार्च हो गया यहाँ पे. ठीक है, स्टार्च क्या है कि इनर्ट सब्सटेंस है जो किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा. तो नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स, साथ में यहाँ पे स्टार्च डाल के यीस्ट केक्स बनाई जाती है. सच केक्स आर यूज इन बेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्रीज. ठीक है, ये जो ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज है उनके अंदर यूज की जाती है. यीस्ट केक्स आर ईटन आल्सो एज यीस्ट सेल आर रिच इन प्रोटीन्स. एंड यीस्ट सेल जो है प्रोटीन्स के अंदर रिच होती, तो इनको एज इट इज खाया भी जा सकता. द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट केक इज कॉल्ड माइक्रोबियल फार्मिंग. ठीक है, लार्ज, अगर लार्ज क्वांटिटी के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर इसको प्रोड्यूस किया जाता है तो इसको माइक्रोबियल फार्मिंग बोला जाता है. यीस्ट केक्स आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू डेमोंस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. इसके अलावा ये यीस्ट केक लेबोरेटरीज के अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस को प्रोसेस डेमोंस्ट्रेट करने के लिए भी यूज की जाती है. एज अ मेडिसिन यूज होती है फंजाई. एंटीबायोटिक्स जैसे कि आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करती है, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, स्टॉप कर देती है, रोक देती है. तो ये ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिड्स एंड मोल्ड्स. इनसे प्रिपेयर किए जाते हैं, बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसिड से एंड मोल्ड से. दे आर यूज्ड इन टू क्योर पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस. एंड जो पैथोजेनिक वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये यूज की जाते हैं. एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट्स टू फीड द स्लॉटर एनिमल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मीट प्रोडक्ट. ठीक है, मीट प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उस स्लॉटर एनिमल को कुछ एंटीबायोटिक्स जो है स्मॉल अमाउंट्स के अंदर फीड करवाई जाती है ताकि वो ज्यादा क्वालिटी और उसकी मीट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए. यहाँ पे कुछ सोर्स दिए हुए हैं, फंजाई दी हुई है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स दी हुई है, पेनिसिलियम जिसका सोर्स है पेनिसिलियम नोटेटम, इसके अलावा ग्राइसोफुलिविन जिसका पेनिसिलियम ग्राइसोफुलवम इसका सोर्स होता है, सिफेलोस्पोरिन जिसका सोर्स होता है सिफेलोस्पोरियम एसरमोनियम, इसके अलावा ज्वारिनी होता है यहाँ पे स्पेरिगुलस स्पीसीज इसका, क्लेविसिन होता है स्पेरिगुलस क्लेविटस एंड सिटनिन होता है पेनिसिलियम श्रीनम एंड ग्लाइटोक्सिस होता है जैसे कि कीटोन. तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होती है जो कि फंजाई से प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा इसका यूज किया जाता है एज एरगोट. एरगोट के अंदर क्या होता है, ये ऑब्टेन किया जाता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, इसका स्क्लेरोसिया जो होता है उससे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है. It is used as a drug for obstetric purpose in the inducing uterine contractions during delayed childbirth. ठीक है, ये क्या करता है, uterine contractions को के अंदर use किया जाता है during delayed childbirth. It is also control hemorrhage during childbirth. ठीक है, hemorrhage को भी ये क्या करता है, control करता है. The ergot contains many alkaloids. And ये जो ergot है कुछ एल्कलोइड कंटेन करता है, जैसे कि एर्गोस्टिरिनाइन, एर्गोस्टोनिक एसिड, कोर्यूटाइन एंड स्पेसिलोटॉक्सिन, ये सब एल्कलोइड्स ही कंटेन करता है. ए डेरिवेटिव ऑफ एर्गोट कॉल्ड लाइसर्जिक एसिड, ठीक है, LSD इसको बोलते हैं, यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल साइकाइट्री. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल साइकाइट्री के अंदर यूज किया जाता है. इसके अलावा एज अ विटामिन से यूज किए जाते हैं क्योंकि ये विटामिन के अंदर रिच होते हैं. विटामिन एसेसरी ग्रोथ सब्सटेंसेस होते हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जैसे कि ये यीस्ट से ऑब्टेन किया जाता है. सम अदर विटामिन आर थायमिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन,
प्रोविटामिन डी राइबोफ्लेविन विटामिन बी इज फॉर्म बाई एसबिया गोसीपाई एंड इरेमेंटोथीसियम एस, इनसे ये ऑप्टेन किया जाता है। इसके अलावा ये एफिड्राइन की तरह यूज किया जाता है, जिसके अंदर ये कुछ डिजीज के क्योर जैसे कि अस्थमा नेजल ट्रबल्स जो होती है उनके क्योर के लिए यूज की जाती है। फॉर्मली इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम एफिड्रा क्वेंसिटिना या फिर एफिड्रा सिंसिका, ठीक है, इसलिए इसका नाम एफिड्राइन बोला गया है। नाउ इट इज प्रोकर्ड फ्रॉम यीस्ट बाय बेंजाल्डिहाइड ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इसको यीस्ट से भी जो है निकाला जाता है बेंजाल्डिहाइड ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है, मैनी फंजाई फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन फंजाई इज हार्नेस्ड, जैसे कि यहाँ पे है सबसे फर्स्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। एल्कोहल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है फंजाई का। एल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर जैसे कि वाइन बियर ये सारे की सारे फर्मेंटेशन से बनती है। फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट होती है प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस फंजाई की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से ये ऑब्टेन की जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस अनदर बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज कलेक्टेड सॉलिडिफाइड टू फॉर्म ड्राई आइस। साथ में यहाँ पे एक तो अल्कोहल निकलेगा ही निकलेगा, साथ में यहाँ पे क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जिसको कलेक्ट कर लिया जाएगा एंड सॉलिडिफाई कर दिया जाएगा ड्राई आइस की फॉर्म में। CO2 जो है यहाँ पे इज यूज इन ब्रेड मेकिंग और बेकिंग इंडस्ट्री, एंड ये किसके अंदर यूज की जाएगी, फिर ब्रेड मेकिंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। यीस्ट फर्मेंट ग्लूकोज टू यील्ड एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट था। यीस्ट एंजाइम्स ने क्या किया, इसको एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एल्कोहलिक बिवरेजेस आर प्रिपेयर्ड आइदर बाय फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन, या तो ये फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, या तो ये डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके बाद सेकेंड है ऑर्गेनिक एसिड फर्मेंटेशन। ऑर्गेनिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स बाय फंजाई, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स का कमर्शियल प्रोडक्शन जो है फंजाई के थ्रू किया जाता है। इन मोस्ट इंस्टेंसेस इज लिमिटेड वेरियस स्पीसीज ऑफ जीनस एस्पेरेगिलस। एस्पेरेगिलस की कुछ स्पीसीज से ये जो है दिए जाते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड लाइक एस्पेरेगिलस की ही कुछ स्पीसीज है, एस्पेरेगिलस नाइजर हो गया, जैसे कि इससे ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। गैलिक एसिड एस्पेरेगिलस नाइजर से ही प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रांस एपोक्सी सक्सिनिक एसिड एस्पेरेगिलस फ्यूमिगेटस से प्रोड्यूस इसका प्रोडक्शन होता है। इटेकोनिक एसिड जो है राइजोपस ओराइजी से इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये एस्पेरेगिलस की स्पीसीज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा ये जो इटाकोनिक एसिड है, इटाकोनिक एसिड यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक्स के फर्मेंटेशन के अंदर भी यूज किया जाता है। ग्लूकोनिक एसिड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टूथपेस्ट टैबलेट्स ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। इसके अंदर ये प्रिपरेशन जो होती है टूथपेस्ट की टैबलेट्स के कैल्शियम ग्लूकोनेट के अंदर यूज किया जाता है। सिट्रिक एसिड इज वाइजली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स, या फिर इफर भी स्कैंट साल्ट्स हो गए जो कि चमकते हैं, चमकदार होते हैं, इंक इंडस्ट्री डाइंग और फॉर सिल्वरिंग मिरर्स और सिट्रेट्स, इनके अंदर क्या यूज किया जाता है, वाइडली ये सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की प्रोडक्शन के अंदर भी फंजाई अपना रोल प्ले करती है। रेड कलर्ड पिगमेंट जैसे कि कैटिनेरियन इज प्रोड्यूस्ड बाय हेल्मिंथोस्पोरियम, ठीक है, हेल्मिंथोस्पोरियम से ही प्रोड्यूस किया जाता है। ब्लू पर्पल पिगमेंट स्पाइनुलोसिन प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम स्पाइनुलोसम। अनदर मैरून कलर्ड पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्पेरेगिलस फ्यूमिगेटस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंजाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स जो है प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ मैनी क्रॉप प्लांट, ठीक है। ये दिया जाता है ग्रोथ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए,
ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए. इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई. ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से प्रोड्यूस किया जाता है जिब्रेलिन. इसके अलावा चीज इंडस्ट्री के अंदर ये यूज होती है. सम फंजाई लाइक चीज मोल्ड्स आर यूज्ड इन फॉर द पर्पस ऑफ रिफाइनिंग चीज टू एड करेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड टेक्सचर. ठीक है, उनका जो करेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है, टेक्सचर होता है, उसको उस पर्पस से इनको फंजाई को यूज किया जाता है. सम क्वालिटीज ऑफ रिफाइंड चीज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ चीज मोल्ड्स आर कैमेम्बर्ट और स्टिल्टोन टाइप्स. ये कुछ वैरायटी है. इसके अलावा एज विटामिन्स, क्योंकि ये जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसई एंड सम अदर फॉर्म्स ऑफ यीस्ट आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स एंड राइबोफ्लेविन्स. इसलिए इनको विटामिन्स की जगह भी यूज किया जाता है. एल्गोस्टिरोल विच कंटेन्स विटामिन डी सिंथेसाइज बाई अ क्वाइट गुड नंबर ऑफ फंजाई. ठीक है, एर्गेस्ट्रोल जो होता है जिसके अंदर विटामिन डी होता है, ये फंजाई से ही प्रिपेयर किया जाता है. सिंथेसिस ऑफ फैट्स बाय फंजाई. फैट्स जो है इसे सिंथेसाइज की जाएंगे, जैसे कि फंजाई आर एंडोमाइसिस वर्नेलिस ओडियम लैक्टिस एंड पेनिसिलियम जावानिका. How been reported to synthesize fats from carbohydrate? Carbohydrate से ये fats बना देती है. This type of production, however, is very costly to use at commercial production of fats. Fats का commercial production के लिए ये एक काफी costly method होता है. तो ये हो गई यहाँ पे useful fungi. जिसके अंदर अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नाम, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं. तो लाइक हेडिंग्स हो जाएंगी यूजफुलनेस के अंदर, यूजफुल इम्पोर्टेंस के अंदर, उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि इसको एज अ फूड यूज किया जाता है. उसके अंदर दो तीन चार जितने भी नाम याद रख सको वो लिख देना. एज मेडिसिन यूज किया जाता है, एज एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है. तो इसके अंदर दो चार एग्जाम्पल्स एंड उसको हेडिंग से हम डिफाइन कर सकते हैं. एग्जाम के लिए इतना इनफ होगा. हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, फंजाई एज एजेंट्स ऑफ डिजीज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ये डिजीज कोज करती है, पैथोजेनिक होती है एनिमल्स एंड ह्यूमंस के अंदर. द फर्स्ट फंगल डिजीज वॉज रिपोर्टेड इन 1880 के अंदर फर्स्ट फंगल डिजीज रिपोर्ट की गई थी. फ्यू वर्थ मेंटरिंग डिजीज आर माइकोसिस, सबक्यूटेनियस माइकोसिस एंड सिस्टमेटिक माइकोसिस. ये कुछ इसकी डिजीजेज हैं. फंजाई आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन बर्ड्स. बर्ड्स के अंदर डिजीज कॉज भी करती है फंजाई. एस्पेरिगिलस फ्लेवर्स कॉज इन्फेक्शन इन द लंग्स ऑफ द बर्ड्स. बर्ड्स के लंग्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देती है. सेप्रोलेजिया, सेप्रोलेजिनिया और पैरासिटिका एंड सेप्रोलेजिनिया फेरेक्स अफेक्ट द फिशेस. फिश को अफेक्ट करती है. फंजाई ग्रोइंग ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड एंटीमोजिनस फंजाई. इनको एंटीमोजिनस फंजाई बोला जाता है, जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर ग्रो करती है. सच फंजाई हैव ग्रेट पोटेंशियल फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट. फॉर एग्जाम्पल कोलियोमाइसिस इज अ पैरासिटिक ऑन मॉस्किटो लार्वे. ठीक है, ये क्या होती है, पैरासिटिक होती है मॉस्किटो लार्वे के ऊपर. Some species of asparagus like asparagus fumigatus, flavis, niger. ये human pathogens होते हैं जो कि disease aspergillosis cause करते हैं. Some fungi cause skin discoloration in human beings. ठीक है, कुछ fungi skin coloration discoloration भी show करते हैं. Few fungi like trichophytonei cause athlete foot disease. ठीक है, athlete foot disease ये cause कर देती है. Fungi as allergens, allergy भी cause करती है, जैसे कि aspergillus, cladosporium, fusarium, alternaria, rust, smuts. ये क्या करती है, bear spores conidia. स्पोर्स कोनिडिया जो है ये बियर करती है एक्सोजीनियसली, विच कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जीज ह्यूमन. ठीक है, जब ह्यूमन इनके कॉन्टेक्ट में आते हैं स्पोर्स के या फिर कोनिडिया के, तो उनको इससे एलर्जी भी हो सकती है. सम पीपल में डिवेलप अस्थमा ड्यू टू फंगल एलर्जी एंड इस फंगल एलर्जी की वजह से कुछ कुछ पीपल्स के अंदर अस्थमा भी कोज हो जाता है.
स्पॉयलेज ऑफ फूड, फूड का भी स्पॉयलेज करती है. मैनी मोल्ड फंजाई लाइक राइजोपस, म्यूकोर, एस्पेरेगिलस ग्रो ऑन फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्रो करती है, लाइक पिकल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जैम्स, जेलीज, ब्रेड, जो कि हम बहुत कॉमनली अपने घरों में भी देखते हैं, एंड मेक दम अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन. ठीक है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए ये अनफिट हो जाते हैं. स्पॉयलेज ऑफ गुड्स, जो बाकी सामान होता है उसकी भी ये स्पॉयलेज कर देती है, जैसे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए, कमर्शियल एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए, अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाई फंजाई, ये फंजाई के अटैक से डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं. जैसे कि कॉटन एंड रेयन आर अफेक्टेड बाई फंजाई लाइक राइजोपस, म्यूकोर, पेनिसिलियम एंड एस्पेरेगिलस. इनसे क्या हो जाता है, कॉटन और रेयन जो है वो अफेक्टेड होते हैं. वूलन गारमेंट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई फ्यूजारियम, अल्टरनेरिया और पेनिसिलियम. ठीक है, इसके इनके थ्रू क्या हो सकते हैं, जो वूलन गारमेंट्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं. बुक्स एक्सेट्रा आर अटैक्ड बाई एस्पेरेगिलस और अल्टरनेरिया एक्सेट्रा. बुक्स भी क्या हो सकती हैं, लंबे टाइम तक अगर वो ऐसे ही रखी रहे, अगर मॉइस्चर हो जाए उनके अंदर, तो वो उनके अंदर फंजाई ग्रो कर जाती है, जैसे कि एस्पेरेगिलस हो गई या फिर अल्टरनेरिया हो गई. जूट प्रोडक्ट्स आर अटैक्ट बाई, जैसे कि जूट के प्रोडक्ट होंगे जो, वो भी अटैक्ट किए जाते हैं फंजाई यहाँ पे कैटीमियम ग्लोसोफम, इनके थ्रू अटैक किए जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए. लेदर प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रॉय ड्यू टू अटैक ऑफ एस्पेरेगिलस नाइजर. एस्पेरेगिलस नाइजर की स्पीसी, ये जो स्पीसीज है ये क्या करती है, लेदर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है. तो ये स्पॉयलेज ऑफ गुड्स हो गई. इसके बाद है टिम्बर वुड की डिस्ट्रक्शन कैसे करती है फंजाई. ऑन टिम्बर वुड फंजाई लाइक पॉलीपोरस स्क्वेजिनी ग्रो एंड ब्रिंग अबाउट डिके ऑफ वुड. वुड का डिके कर देती है ये वहां पे अगर ग्रो करती है. प्लांट डिजीज इज लाइक डिफरेंट एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्ट एज प्लांट पैथोजन की तरह एक्ट करते हैं. ऑफ दिस फंजाई कैन कॉज मोस्ट सिवियर लॉसेस. ठीक है, इन सब में से चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, चाहे वो प्लांट पैथोजन हो गया, चाहे वो वायरस हो गया, इन सब में से फंजाई जो होती है सबसे ज्यादा लॉस करती है. दे डिस्ट्रॉय फील्ड क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, ड्रग प्लांट्स क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये सबको ही डिस्ट्रॉय कर देती है अगर उनके अंदर ग्रो कर जाती है तो. दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फंजाई, हाउएवर नो स्पीसीज ऑफ मिक्सोमाइसिट्स आर नोन टू बी पैरासिटिक ऑन वास्कुलर प्लांट. ठीक है, ऐसा देखा गया है कि मिक्सोमाइसिट्स की कोई भी स्पीसीज जो है वास्कुलर प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट नहीं होती है. तो सम स्पीसीज डू कॉज डैमेज टू कल्टिवेटेड मशरूम. ठीक है, कल्टिवेटेड मशरूम के ऊपर ये कुछ स्पीसीज इसकी मिक्सोमाइसिट्स की वो कुछ हद तक इनके अंदर डैमेज कॉज कर सकती है. स्पॉयलेज ऑफ मीट, मीट की भी स्पॉयलेज कर देती है. मैनी फंजाई हैव बीन नोटिस्ड इन मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स विच कॉज कंसिडरेबल डैमेज यूजली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर, जैसे कि म्यूकोर स्पीसीज, न्यूरोस्पोरा, ओजियम, एस्पेरेगिलस, ये क्या कॉज करती है, मीट की स्पॉयलेज कर देती. अब यहाँ पे कुछ टेबल्स होंगी जिनके अंदर फाइकोमाइसिट्स स्पीसीज की डिजीज कॉज हो. सबसे फर्स्ट है यहाँ पे डिजीज कॉज्ड बाय फाइकोमाइसिट्स. ठीक है, फाइकोमाइसिट्स कौन सी डिजीज यहाँ पे कॉज करेगी, जैसे कि ये यहाँ पे होस्ट है, ये यहाँ पे डिजीज हो गई नेक्स्ट, एंड ये हो गई यहाँ पे पैथोजन इनकी. ठीक है, ये इनके पैथोजन हो गए, यानी कि ये जो है ये क्या हो गई यहाँ पे, ये फंजाई हो गई जो कि डिजीज कॉज कर रही है. होस्ट जैसे कि पोटैटो हो गई, लेट ब्लाइट जो हम कॉमनली देखते हैं, ये होते हैं फाइटोफथोरा इनफेस्टेंस की वजह से. नेक्स्ट वीडियो में हम फाइटोफथोरा की ही टाइप स्टडी डिस्कस करेंगे. कोलोकेसिया हो गया जिसको ब्लाइट डिजीज बोलते हैं, जो कि फाइटोफथोरा कोलोसी से होता है. एरिकोनेट हो गया जो कि कोलियोरोगा डिजीज कोज करता है, ये होती है फाइटोफथोरा एरिसी से. टबैको हो गया, इसके अंदर क्या होता है, डैम्पनिंग ऑफ सीडलिंग की डैम्पनिंग हो जाती है, जो कि पाइथियम डिबेरिनम से होता है. लेडी फिंगर के अंदर हो जाता है. ठीक है, लेडी फिंगर के अंदर फ्रूट रोट कॉज किया जाता है फाइटोफ्थोरा इंडिकम के थ्रू. पी के अंदर हो जाता है, क्रूसीफर्स के अंदर हो जाता है, स्पिंच के अंदर, ग्रेप्स के अंदर,
ठीक है, इनके अंदर डाउनी मिल्ड्यू हो जाता है, एंड ये फाइटोफ्थोरा, ये जो ये पाइथियम इंडिकम की स्पीसीज होगी, पर्सनोस्पोरा पाइसी होगी, यहाँ पे पर्सनोस्पोरा ब्रेसिसी होगी, पर्सनोस्पोरा स्पाइनसीसी होगी, जैसे इनका नाम है स्पिंच होगी तो ये स्पाइनसीसी होगी, एंड प्लाज्मो नेक्स्ट है यहाँ पे, प्लाज्मो पारा विटिकोला, जो क्या करता है ग्रेप्स के अंदर डिजीज कोज करता है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि यहाँ पे हो गया बाजरा, ज्वार, क्रूसीफर्स हो गए, क्रूसीफर्स के अंदर व्हाइट रस्ट होता है, क्लब रूट होता है, वेजिटेबल्स के अंदर जैसे कि सॉफ्ट रोट होता है, तो ये सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट फंजाई के थ्रू डिजीज कोज होती है। तो इनमें से जैसे कि कॉमनली लेट ब्लाइट पूछ ली जाती है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके थ्रू होती है, फंजाई के थ्रू होती है, फाइटोफ्थेरा के थ्रू होती है, या फिर टबैको के अंदर इम्पोर्टेंट है, वेजिटेबल्स के अंदर, तो ये कुछ है यहाँ पे जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे ही एस्कोमाइसीट्स की ये जो है एक टेबल है जिसके अंदर ये होस्ट डिजीज एंड पैथोजेंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिजियोमाइसीट्स की एक टेबल है जिसके अंदर अगेन होस्ट डिजीज एंड पैथोजेंस दिए हुए हैं। एंड लास्ट वन इज द फंजाई इम्परफेक्टाई की स्पीसीज हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनके पैथोजेंस के नेम हैं, एंड ये डिजीज कोज करती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं, इनको अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार इनके गो थ्रू जाना कि हाँ ये डिजीज इससे कोज होती है, तो इनमें से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इन सब जो भी ये यहाँ पे जितने भी हमने टेबल्स डिस्कस की है उन सब की जो भी फोटोग्राफ्स इमेजेस है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं या फिर इसके यहाँ से ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइटोफथोरा के बारे में, ठीक है, कौन क्या क्या वो डिजीज कॉज करता है एंड कैसे उसकी लाइफ साइकिल चलती है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।